बेलीपार पुलिस ने जहर खुरानों का शातिर गैंग के फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प है कि गिरफ्त में आया शातिर बदमाश राकेश कुमार अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर लोगों को लिफ्ट देने का झांसा देकर लूटपाट किया करता था। गौरतलब है कि पुलिस ने जहर खुरान गैंग के मुख्य आरोपी की पत्नी और उसके दोस्त को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी राकेश कुमार फरार था। ऐसे में बृहस्पतिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार शातिर जहर खुरान राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। बेलीपार पुलिस ने हरैया इलाके से शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि दरअसल जहर खुरान का शातिर गैंग लोगों को लिफ्ट देने का झांसा देकर जहर खुरानी किया करता था। शातिर गैंग का मुख्य आरोपी राकेश कुमार अपनी पत्नी और दोस्त के साथ राहगीरों से मेल जोल बढ़ाकर उन्हें लिफ्ट दिया करता था और इस दौरान खाने पीने की चीज़ में नशे की डोज देकर उन्हें बेहोश कर उनका सामान लूटकर फरार हो जाता था। ऐसे में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शातिर जहर खुरान गैंग के फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। एक जहर खुरानी की घटना भी कुछ दिनों पहले बेलीपार में हुई थी, जिसमें अनभियुक्त पकड़े गए थे, गाड़ी भी एक पकड़ी गई थी। उसी के आधार पे आज उसका एक जो महिला थी उसका हस्बैंड जो है रमेश, जो कि कोठा का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया है थाना बेलीपार द्वारा। जहर खुरानी का इनका यही ट्रेंड है कि लोगों को दूर से ट्रेस करते हैं और उनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर उनके साथ वह घटना कर देते हैं।